वतमाल जिले के दीगरस तहसील की हद में दारवाहा रोड पर 24 अप्रैल रविवार की सुबह साढ़े दस बजे एक भीषण सड़क दुर्घटना सामने आई है इस घटना में प्राप्त जानकारी के अनुसार दिग्रस दारवाहा रोड पर कलसा से रोहना देवी मार्ग इंडिका और स्विफ्ट डिजायर इन दो चार पहिया वाहनों की आमने सामने टक्कर हुई सूत्रों ने बताया कि दीग्रस से दारवाहा की ओर जा रही इंडिका कार का हैंडल लॉक हुआ और ड्राइवर का संतुलन गड़बड़ा गया ऐसे में साखरा ग्राम से दीग्रस की ओर जा रही स्विफ्ट डिजायर को इंडिका वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी जिस वजह से इंडिका कार रास्ते से सटे नाले में जा फसी किस्मत अच्छी थी कि इस भीषण सड़क हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ और न ही जान के नुकसान हुआ हालांकि दोनों वाहनों में सवार यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं और दोनों वाहनों के सामने वाले हिस्सों का काफी नुकसान हुआ है बहरहाल नाले में फंसे वाहन को क्रेन के जरिए से बाहर निकाला गया मालूम हो की खबर लिखे जाने तक उक्त घटना के संदर्भ में किसी प्रकार की कोई शिकायत दिग्रज पुलिस थाने में दर्ज नहीं हुई थी